Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इस फोटोशॉप में विंडोज़ का कैसे यूज़ होता है और आपका पैनल्स कितने होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, मेन्यू बार, टूल बार, इन सभी चीज़ों के बारे में, और न्यू पेज की प्रॉपर्टी फाइल और न्यू पेज की प्रॉपर्टी फाइल कैसे ओपन करते हैं, कि कैसे हम पेज का साइज़ मेंटेन करते हैं, पेज के पिक्सल्स कैसे हम एडजस्ट करते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा ताकि आपको फोटोशॉप के बारे में अच्छे से पता लगे और आपके आगे के ट्यूटोरियल के बिगनिंग कोर्सेज के बारे में आप अच्छे से उसको सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोशॉप की विंडो होती है, ठीक है। अभी फ़ोटोशॉप की विंडो में देखिए, जैसे आपकी लेफ़्ट साइड देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में यहाँ देखिए आपका टूल बॉक्स आता है, और यहाँ पर ऊपर अप साइड में देखेंगे तो आपका यहाँ पे मेन्यू बार होता है, नीचे प्रॉपर्टी बार होता है, ये वाला पूरा एरिया, और यहाँ पर आपके पैनल्स होते हैं, ठीक है ना। आपको पैनल्स किस तरीके से यूज़ करने हैं, अपने यूज़ के हिसाब से अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। वरना इसमें इसमें बने बनाए पैनल्स होते हैं, कैसे कि विंडोज़ में जा करके वर्क स्पेस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फोटोग्राफी का यूज़ हो गया। अगर आप यहाँ पर मोशन या फिर टाइपोग्राफी यूज़ कर रहे हैं तो देखिए टाइपोग्राफी के ऑप्शन खुल गए। तो मतलब ऐसे ही आप कोई भी अपना यूज़ कर गए, जैसे आप जो भी पता है आपको क्या आपको यूज़ करना है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और आप अपना खुद का एक न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करना चाहें तो आप अपने हिसाब से पैनल एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से वर्क स्पेस में न्यू वर्क स्पेस के ज़रिए भी अपना वर्क स्पेस ऐड कर सकते हैं, तो वो भी आपका यहीं पर लिखा हुआ आएगा। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ, तो मैंने क्या करा, एसेंशियल पे क्लिक कर दिया, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आ गया यहाँ पर। अब देखिए, अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है या फिर न्यू पेज लेना है, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल ओपन की। अगर आपको कमांड याद है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद है तो देखिए यहाँ पर आपका डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप जो भी आपको फाइल ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इस वाली फाइल को ओपन कर रहा हूँ, तो देखिए आपकी फ़ाइल ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये फाइल ओपन हो जाने के बाद अगर मैं अब डबल क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये जो एरिया जो आपका आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये आपका फाइल का ही ब्लैंक एरिया होता है आपका। हालांकि आपका जो पेज है वो इतने ही पार्ट में पेज है, आपका जो प्रिंट निकलेगा या फिर आपको जो शो होगा वो यही पार्ट शो होगा क्योंकि आपका पेज ही इतना बड़ा है, लेकिन जो होता है ना, इस पेज का आउटसाइड एरिया होता है, अब यहाँ पर डबल क्लिक यूज़ नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस ओ, यानी कंट्रोल के साथ ओ का बटन दबाना है, और इसके साथ आपकी ओपन की कमांड ओपन हो जाती है, यानी खुल जाती है, आप वहाँ से जो भी फाइल ओपन करना चाहें कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं न्यू पेज की। तो हमने क्या करा है, यहाँ से कंट्रोल प्लस एन एक न्यू पेज ले लिया। न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका अनटाइटल वन। अनटाइटल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने फाइल का नाम दिया है 1950x500, आप जो भी नाम यहाँ पर देना चाहें वो नाम वहाँ पर शो होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ओ टी सी लिख दिया। अब उसके बाद प्रीसेट, प्रीसेट में क्या होता है, इसमें आपके पेज के साइज़ होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फोटोशॉप साइज़ करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 7x5 इंच का फोटोशॉप का इसमें पेज होता है। US पेपर पे क्लिक करते हो तो आपके आपके लेटर, लीगल, टैप्लॉइड, ये आपके इंटरनेशनल पेज पे क्लिक करेंगे तो वही आपका A3, A4, A5, A6, B3, B4 ये सभी आते हैं। अगर आप कोई फ़ोटोज़ से यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोटोज़ के साइज़ आगे के फ़ोटोज़ किस तरीके से होता है, और अगर आपके वेब से यूज़ करते हो तो बैग में आपका पिक्सल्स में यूज़ होता है। तो देखिए, आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, फ़ोटोशॉप के अंदर जो उसकी प्राइमरी यूनिट होती है
हाइट एंड वेट नापने की, तो उसके वो पिक्सल्स होती है, ठीक है। हालांकि ऐसी बात नहीं पिक्सल्स में काम करेंगे आपको, यहाँ पे सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास, कॉलम सब मिल जाएगा, लेकिन जो उसके प्राइमरी यूनिट होते हैं पिक्सल्स ही होती है। अब हमें पिक्सल्स को समझना पड़ेगा, तो पिक्सल्स को थोड़ा हम रहने देते हैं, पहले हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कंप्लीट करते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो इसमें साइज़ दिए हैं आप सिर्फ उन्हीं को ले सकते हैं, नहीं, अगर आपको अपने साइज़ देने हैं तो आप अपने भी साइज़ ले सकते हो। यहाँ पर वेट और हाइट बड़ा घटा करके आपने, यहाँ पर जैसे कि अपने 1950 का हमने एक पेज ले लिया, सॉरी हाइट विड्थ ले ली, और 550 की हमने एक हाइट ले ली। हाइट लेने के बाद मैंने यहाँ से रेजोल्यूशन लिया। रेजोल्यूशन होता है इसका जूमिंग एरिया कितना होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रेजोल्यूशन 72 पिक्सल्स पर इंच, यानी कि एक इंच के अंदर 72 पिक्सल्स होंगे इस फोटो के अंदर। आप इसमें 300 तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप जितना कम पिक्सल्स रखोगे ना उतना ही पिक्चर का क्वालिटी गिरता है, देना जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही पिक्चर का क्वालिटी बेटर रहता है। यहाँ पर आप जाते हैं कलर मोड। कलर मोड में आपको आ जाता है कि आपको बिट मैप चाहिए, ग्रे स्केल चाहिए, आरजीबी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम आरजीबी रखते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो फोटोशॉप का जो कलर फॉर्मेट होता है वो आरजीबी ही होता है। और यहाँ पर ये आपकी ग्राफिक्स क्वालिटी है कि आप ग्राफिक्स की क्वालिटी क्या देना चाहते हो। तो हम 8 बिट पर ही काम करते हैं। और यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेंट यहाँ पर देखो वाइट होता है मेन आपका, देन बैकग्राउंड में कलर में क्या होता है, बैकग्राउंड कलर अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर सिलेक्ट होगा तो वो आपका फिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैं इसको कलर को बदल देता हूँ, मैंने बैकग्राउंड में स्काई ब्लू ले लिया। अब उसके बाद मैं कंट्रोल एन लेता हूँ और मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर ले लिया और यहाँ से मैंने ओके किया, तो आपका देखिए वो बैकग्राउंड में फिल ऑटो होकर ऑटोमेटिक कलर आ गया। आपको कलर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपको कलर अपना अलग से फिल करना है तो वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे यूज़ करें उसको। तो उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, देन ट्रांसपेरेंट होता है आपका PNG इमेज बनाने के लिए। अगर आप कोई इमेज बनाते हैं, ठीक है ना, आपको उसको बैकग्राउंड हटाना है, तो आप जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, उस फोटो काट करके लाएंगे, या फिर आप कोई बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो है वो आपका इसी तरीके से होता है। आप उसको यहाँ पर रख करके देन उसको आप सेव एज करेंगे, सेव एज जो करेंगे तो आप उसको PNG में सेव करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके अगले। तो आपका ये हो गया पेज के बारे में, पूरा कंप्लीट हो गया। न्यू पेज की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। आप देखिए पिक्सल्स का जो टॉपिक हमारा छूट रहा था हम उसकी बात करते हैं। तो मैंने कंट्रोल ओ से एक फाइल ओपन, फोटोज ओपन किया। देखिए मैंने फोटोज ओपन किया, ठीक है ना। अब इन फोटो को जूम करते हैं, ठीक है। अब मैंने इस फोटो को जूम किया, देखिए एक हद तक तो ये जूम होगा, देन उसके बाद क्या होंगे इसके, देखिए पिक्सल्स डिवाइड हो गए। जो आपकी पिक्सल का मतलब होता है इस फोटो के अंदर जो स्क्वायर शेप होती है उसको हम पिक्सल कहते हैं, ठीक है ना। देखिए ये पिक्सल्स होते हैं, ठीक है ना। अब यही हम इनको पिक्सल्स, जैसे हम बोलते हैं कि पिक्सल्स जूमिंग पे फट रहे हैं, इमेज ब्लर हो रही है, वो होता है उसका जूमिंग व्यू कितना है। और जूमिंग व्यू कब डिसाइड होता है, जितना ज़्यादा उसका रेजोल्यूशन होगा। अब देखिए जैसे कि मैं इस इमेज का हाइट और वेट पता करता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर इमेज मेन्यू पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए आपका हाइट और वेट आपका इंचेस में दिखा रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो 6 फुट इसकी वेट है और 4 फुट इसकी हाइट है, यानी इतना बड़ा एक पूरा का पूरा जो देखा जाए तो बड़ा सा पोस्टर है ये इमेज। और इसकी विड्थ देखिए, विड्थ कितनी है इसकी 5231, यानी 5231 पिक्सल्स की इसकी विड्थ है, 3487 की इसकी हाइट है, और इसका रेजोल्यूशन जो है पर इंच 72 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपको समझ में आ गया कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए आप देखिए आज हम बात करते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे हाइट और विड्थ में। जैसे देखिए आपको इंचेस में हाइट निकालनी है, मोस्टली यहाँ पर दे हुआ रहता है इंचेस में हाइट। देखिए अब इसको आप इसको हाइट और विड्थ कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसे कि आपके यहाँ पे विड्थ दी हुई है, अगर आप इसको इंचेस में निकालना चाहते हैं तो जो भी आपका रेजोल्यूशन में दिया रहेगा
उसको उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास इंचेज हैं तो उसको पिक्सल्स में कन्वर्ट करना, तो आपको उतनी ही वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो 72 है, 72 इंटू 72.653, तो आपके टोटल पिक्सल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये तो बात हो गई आपकी पिक्सल्स के बारे में। आई होप आज के सारे टॉपिक वन बाय वन आपको समझ में आए होंगे। तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो देखिए थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ और बाकी टूल्स का इंट्रोडक्शन जो रहेगा मैं अगली वीडियो में डालूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। चलिए, बाय।